इसमें रही असल एवरी एवरीवन कैसे हैं आप सब चीज स्टूडेंट्स मैथमेटिक मॉडल पेपर टू क्वेश्चन पेपर लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट आज आज के लेक्चर में आज हम इसको इंशाल्लाह जल्द सॉल्व करेंगे Uh, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को सेक्शन ए सेक्शन बी सेक्शन सी के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते चलूँगी इन शाला डिटेल में हम इसके एम सी क्यू भी कवर करेंगे और आपको एम और सेक्शन बी और सी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे कौन से सवाल आपके कहाँ से आए हैं कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है शॉर्टकट टारगेट पेपर के साथ भी आप लोगों के साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करेंगे तो वीडियो के साथ रहना है आप लोगों ने ठीक है और वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अच्छा बेटा सबसे पहले आप लोगों को पता है कि आपके पास जो है वो ट्वेंटी मार्क आपके एम सी क्यूज़ के होंगे बीस नंबर आपके जो है वो एम सी क्यूज़ होगा ट्वेंटी परसेंट ट्वेंटीज़ टू फोर्टीज़ टू फोर्टी का रेशो है ट्वेंटी परसेंट एम सी क्यूज़ फोर्टी परसेंट सेक्शन बी एंड फोर्टी परसेंट सेक्शन सी ताकि आप सबको पता है अच्छा जी ये बॉर्डर पेपर का जो पी डी एफ है ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे चुकी हूँ ठीक है बेटा सबसे पहले हम इसके एम की उसकी जाने बातें हैं एम जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ओ एम आर शीट के ऊपर करने हैं आपने और ओ एम आर शीट को हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे उस पर डिटेल लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगी आप लोग जाकर जरूर देखिएगा ताकि कोई भी आप लोगों की गलती जो है वो ना आपका एम सी क्यूज चूज़ द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्राम द गिवन ऑप्शन अच्छा हमारे पास फर्स्ट आपके पास नजर आ रहा है जैसे कि आपको कुछ एलिमेंट्स हैं आपके पास आपको नजर आ रहा है कि ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल में मैंने जब आप लोगों को चैप्टर नंबर टू और थ्री करवाया था तो मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी अगर आपके पास क्लोज इंटरवल और आपके पास जो है ओपन इंटरवल में सेम एलिमेंट्स मौजूद होंगे तो उसका आंसर आपने कर्ली ब्रैकेट में लिख देना है और वही एलिमेंट उसी सीक्वेंस से आपके पास आ जाएंगे अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट वाला है ये आपके पास बेसिकली क्लोज इंटरवल है मीन्स कि आपके पास थ्री और फ़ाइव जो है देखो एक नंबर लाइन में आपको यहाँ के यहाँ पर बनाकर बताती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ज़ीरो वन टू थ्री फोर फाइव अब हमारे पास यहाँ पर जो है क्लोज़ इंटरवल का मतलब है थ्री से लेकर फ़ाइव तक के तमाम एलिमेंट जो है इसके अंदर क्या हैं इंक्लूड है ठीक है और अगर हम ओपन इंटरवल की बात करें ओपन इंटरवल राउंड जो है ये ओपन इंटरवल की को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर मतलब ये है कि थ्री और फाइव जो है ना बेसिकली ये वाला थ्री और ये वाला फाइव ये दोनों इंक्लूड जो है नहीं है ना तो थ्री इंक्लूड है और ना आपके पास यहाँ पे आपका फाइव इंक्लूड है तो इनके बिटवीन जो है ना थ्री पॉइंट वन से लेकर फोर पॉइंट नाइन तक के जितने भी नंबर्स हैं वो आपके पास के हैं इंक्लूड हैं अब जब आपको इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा तो सिंपल आपके पास क्या आ जाएगा थ्री और फाइव ये आपने कर्ली ब्रैकेट में लेना है याद रखिएगा ये चीज़ कि आपने इसको सिंपल सी चीज़ है जब आपके पास एक चीज़ क्लोज में हो और एक चीज़ आपके पास जो है वो ओपन इंटरवल में हो उसका राइट ऑप्शन कर्ली ब्रैकेट में आपने शो कर देना है नाउ द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन अब आपके पास वेक्टर फंक्शन के आपको डोमेन फाइंड आउट करने हैं अब यहाँ पे आपके पास जो यहाँ पर दिया गया है वो आपके पास थ्री डायमेंशनल है देखो आयत कंपोनेंट जे यूनिट युन, वेक्टर और के यूनिट वेक्टर यहाँ पे आपका थ्री डायमेंशनल है तो आपने क्या करना है वन वन तीनों की जो है आपने डोमेन फाइंड करनी है और उनका क्या ले लेना है इंटरसेक्शन ले लेना है ठीक है जी तो आप यहाँ पर नोट करो अगर हम फर्स्ट वाला ले, ले लेते हैं यहाँ पर देखो आपके पास ये वाला है टी क्यूब आयत कंपोनेंट वाला उसको उठा लो पहले वन बाय वन हम इन तीनों के अलग अलग डोमेन्स को फाइंड करेंगे अच्छा इस तरह कर लें आप पहले फॉर एग्जाम्पल एफ ओफ टी फर्स्ट को आपने कंसिडर किया एफ ऑफ टी टी क्यूब अब यहाँ पे मैं इस रियल नंबर में टी में कोई भी वैल्यू पुट करूँ वन टू थ्री फोर मुझे रियल नंबर ही देगा ठीक है अब मैं ले लेती हूँ सेकंड वाला जी ऑफ टी जी ऑफ टी वन डिवाइडेड बाय क्या है हमारे आपके पास ये कंपोनेंट में टी माइनस वन अब यहाँ पे बेटा मैं वन नहीं रख सकती अगर मैं पॉजिटिव वन रखूँगी तो पॉजिटिव वन वन नेगेटिव वन से कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर जीरो हो जाएगा अनडिफाइन तो हम यहाँ पर इसके डोमेन में सारे के सारे रियल नंबर रख सकते हैं पर हम वन को पुट नहीं कर सकते नेवर बी इक्वल टू वन ठीक है तो हम क्या करेंगे हम कह देंगे जो हमारे पास इसकी डोमेन आएगी टी माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो हम कह देंगे टी इज नॉट इक्वल टू वन ठीक है जी अब हम ले लेते हैं एच ऑफ टी एच ऑफ टी के लिए हमारे पास क्या है एल एन टी माइनस टू तो यहाँ पर भी हमारे पास टी माइनस टू इज नॉट इक्वल टू जीरो टी ग्रेटर देन टू ठीक है जी थ्री ग्रेटर देन शुड बी टू अब हमारे पास देखो हमें क्या करना होता है इंटरसेक्शन लेना होता है अगर यहाँ पे देखो अगर मैं एल एन जीरो रख ले अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव टू रख ले तो एल एन जीरो हो जाएगा एल एन जीरो तो हमारे पास क्या होता है इन्फिनिटी होती है ठीक है डोमेन इन्फिनिटी को सेटिस्फाई नहीं करता फंक्शन जो है वो हमारे पास हमारा अनडिफाइन हो जाएगा सिंपल सी बात है अगर इसको नंबर लाइन पे भी शो करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा टी जो है वो ग्रेटर देन टू होगा और टी बिलोंग कर रहा होगा हमारे रियल नंबर से ठीक है जी तो यहाँ पर देखें आपके पास ये सारे का सारा हम यहाँ से मिटा देते हैं इसको तो आपके पास क्या होगा अगर हम यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन भी लेंगे तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा कि टी जो है वो ग्रेटर देन टू है और टी बिलोंग कर रहा है रियल नंबर के साथ ठीक है जी इस तरीके से आपने करना अलग अलग करके तीनों ये यूनिट प्रैक्टिस आपके पास गिवन है आयत कंपोनेंट जेद कंपोनेंट और केत इन तीनों के अलग अलग आपने डोमेंस फाइंड करनी है और उसका इंटरसेक्शन ले लेना है तो फर्स्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर आपका राइट है क्लियर हो गया नाउ थर्ड क्वेश्चन लिमिट एक्स टेंस टू जीरो वन माइनस एक्स इज रेज टू द पॉवर वन ओवर एक्स बड़ा आसान है एम सी बेटा इससे रिलेटेड पहले आपको मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता दूँ आपको देखो एक फार्मूला है आपके पास कि जब भी आपके पास आपको लिमिट फाइंड आउट करनी हो एक्स टेंस टू जीरो हो और वन प्लस एक्स अडेज टू दावर वन ओवर एक्स हो तो इसका आंसर आपके पास एक्सपोनेंशियल कॉन्स्टेंट ई होता है ठीक है और इन केस अगर आपके पास यहाँ पर माइनस आ जाता है क्या जैसे कि क्वेश्चन में आपके पास दिया गया है इस जगह पर माइनस है जबकि आपके पास प्लस नहीं है तो आपके पास इसका आंसर सिंपल आपने क्या करना है एक्सपीडेंशियल कांस्टेंट ई रेज टू दी पावर क्या है आपके पास माइनस वन इसका राइट ऑप्शन होगा बस ये पर याद रखना है पॉजिटिव होगा तो आपके पास ई आएगा नेगेटिव होगा तो आपने माइनस वन लगा जो है रेज टू दावर माइनस वन लगा देना ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ना और नेक्स्ट एम सी क्यूज टें वर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का डायरेवेटिव फाइंड आउट करना है आपको जब आपको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा चले करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स हमें मिला अब यहाँ पर हमारे पास रूल है आप सबको पता है वन डिवाइडेड बाई गिविन फंक्शन में क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इसका स्क्वायर ले लेना है हमें और फिर गिवन फंक्शन का भी डेरिवेटिव लेना होगा वन डिवाइडेड बाई टू एंड स्क्वायर रूट में आपको एक्स रखना है क्लियर हो गया अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा तो हमें मिला वन डिवाइडेड बाय वन प्लस स्क्वायर रूट ऑफ़ एक्स और यहाँ से वन डिवाइडेड बाय टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया अब क्यों ना हम इसको मल्टीप्लाई कर लें अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वन आया नीमिनेटर में डिनोमिनेटर में हमें, हमें मिला टू सात डिनोमिनेटर को सॉल्व भी कर लो टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को वन से मल्टीप्लाई करने पर हमें टू स्क्वायर रूट ऑफ़ एक्स मिला और सेम एज़ इट इज़ ये टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जब एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो हमें यहाँ से मिलेगा टू एक्स एंड स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्लियर हो गया अब यहां से आप टू को कॉमन ले सकते हो क्या कर सकते हो टू को कॉमन ले लो नोमेटर में तो वन ही रहा डिनोमिनेटर में यहाँ से आपने जब टू को कॉमन लिया तो हमें क्या मिला एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स तो आप देख लीजिए अब यह ऑप्शन आपके पास कहाँ राइट है ये आपके पास जो है ऑप्शन नंबर डी राइट है ठीक है तो आपने इसको देख लिया इसी तरीके से आप वन बाय वन हम तमाम सोल्यूशन करेंगे इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है अब डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स टू एक्स अच्छा यहाँ पे बेटा आपकी एक मिस्टेक है इसको जब मैंने सॉल्व किया तो यहाँ पे थोड़ा सा आप इसको सॉल्व कर लें यहाँ पर आ, लिखते हुए इन्होंने एक मिस्टेक की है अगर हमारे पास यहाँ पर कॉट इनवर्स हाइपरबॉलिक इनवर्स इन्वर्स हो मतलब ये इन्वर्स जो है वो हाइपरबोला पे न, हो हाइपर बॉलिक हो और टू एक्स हो तो फिर हमारे पास हमारा इसका रा, राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा टू होगा अब कर कर भी दिखाते होंगे कि बी वाला आंसर क्यों राइट है यहाँ पे आपके पास से टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ पे हाइपर आना चाहिए क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना इसको मैं कॉड इन्वर्स इन टू टू एक्स को भी सॉल्व कर कर दिखाऊंगी और हाइपर के साथ भी कर, कर दिखाऊंगी इसलिए ताकि आपके दोनों आंसर जो है आपको समझ में आ जाए कि अगर इस तरह सवाल आए तो आप किस तरह सॉल्व करोगे और क्योंकि इन दोनों में फार्मूलाज ही बेसिकली अप्लाई हो रहे हैं आपके पास ठीक है जी वन बाय वन सॉल्व करते हैं जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है उसके अंदर पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो बेटा यहाँ पे आपके पास कॉट हाइपर इनवर्स टू एक्स अब यहाँ पे एच जो यहां पे है ना बेसिकली हाइपर वॉलिक ये यहाँ पे मिस है इसके कुछ फार्मूलाज भी जो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाया था चैप्टर नंबर थ्री में तो वहाँ जा कर देखिएगा अच्छी तरीके से आप लोगों को जो है वो रिकॉल कर लीजिएगा याद हो जाएगा देखो तो डेरिवेटिव लेना है डी ओवर डी एक्स कॉट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स अब हमें इसका बेसिकली डेरिवेटिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ता है वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ता है ये फार्मूला है मैंने नहीं बताया ये फार्मूला बुक में जाकर देखें ठीक है जी वन डिवाइडेड बाय वन माइनस अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली जो गिवन फंक्शन है एक्स वो क्या है टू एक्स है तो हम x नहीं रखेंगे क्या रखेंगे टू एक्स रखेंगे टू एक्स का स्क्वायर क्योंकि फार्मूला में स्क्वायर है तो हमें क्या मिला यहाँ से वन डिवाइडेड बाय वन का वन वन माइनस टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर और x पर आ जाएगा स्क्वायर और गिवन फंक्शन का अपना डेरिवेटिव भी लिया जाता है तो डी ओ व डी एक्स और हमारे पास ये टू एक्स हो जाएगा यहाँ पर ठीक है इस तरीके से अब हमारे पास टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है टू होता है तो वन डिवाइडेड बाय वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर और हमें यहाँ से मिल गया टू तो हमारा आंसर क्या आया टू मंजा टू यहाँ आ जाए नेक्स्ट स्टेप वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर तो देखें ये ऑप्शन आपके पास कहाँ आ रहा है सेकंड ऑप्शन जो है इसमें राइट आ रहा है बी वाला टू डिवाइडेड बाई वन माइनस फोर एक्स स्क्वायर लेकिन यहाँ पे चूंकि आपके पास जो आपका सवाल है वो दिया गया है कुछ और टाइप का यहाँ पे दिया गया है कॉट इनवर्स और इनटू टू एक्स ठीक है अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसके बाद आपका बेसिकली जो फार्मूला होता है वो होता है वाई इजिक्वल्स टू कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है माइनस का वन डिवाइडेड बाय वन प्लस का एक्स स्क्वायर समझ में आया आपको ये फार्मूला आप इसके अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करें तो माइनस का वन फार्मूला का वन अपनी जगह पर रहा और गिवन फंक्शन में एक्स की जगह पर क्या गिवन है टू एक्स है तो हम क्या कर देंगे टू एक्स का स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिला माइनस वन ऊपर और नीचे हाँ जहाँ और इसका अपना फंक्शन इस का अपना डेरिवेटिव भी लेना होता है ठीक है तो डायरेक्ट ना ले लूँ यहाँ पे टू चले यहाँ ले लेती हूँ इस फंक्शन का अपना डेरिवेटिव जो कि टू है टू एक्स है ना तो उसका डायरेवेटिव टू हो जाएगा तो हमें मिला टू इंटू वन माइनस का टू डिनोमिनेटर में मिला वन और टू का स्क्वायर फोर और एक्स पर आ जाएगा स्क्वायर अब ये ऑप्शन तो कहीं पर भी नहीं गिवन माइनस का टू वन प्लस का फोर एक्स स्क्वायर या तो फिर यहाँ पर आपके पास क्या होना चाहिए था तो पॉजिटिव होना चाहिए था और ऊपर नेगेटिव होना चाहिए तो इतनी ज्यादा मिस्टेक्स तो नहीं एग्जामिनर कर सकता या टाइपिंग एरर भी नहीं हो सकता ना हेमेन एरर हो सकता है तो यहाँ पर वो हाइपर लगाना भूल गया है कॉट इन्वर्स के आगे एच आना चाहिए था इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी है तो आप इस तरह अगर ये वाला सवाल आया तो उसका ऑप्शन ये वाला ऑप्शन ज़रूर मौजूद होगा आपके पास आपके एग्जाम में ठीक है जी तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास क्या होगा ये सवाल आपके पास इस तरीके से था कॉट hyperbolic inverse इन्वर्स है और टू एक्स गिवन फंक्शन में टू एक्स तो हमने पहले इसका डायरेवेटिव लेना और दे सकते हैं कि गिवन फंक्शन का एंगल का अपना डायरेवेटिव लिया जाता है जो कि क्या आया यहाँ पर टू आया उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा ना हो मूव करते हैं तो हमें याद रखना है कि हमारे पास यहाँ पर जो कॉट एक्स है ठीक है कॉट हाइपर बॉलिक इन्वर्स है ठीक है तो आप लोगों ने इस चीज़ को का ख्याल रखना है कि जो क्वेश्चन आपको दिया गया है वो बेसिकली आपके पास कॉट हाइपरबलिक इन्वर्स और गिवन फंक्शन आपके पास यहाँ पर टू एक्स है ठीक है जी चले जी कोई इशू नहीं है मूव करते हैं ना नेक्स्ट एम सी की नेक्स्ट एम सी की में कहा जा रहा है द डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स सिम्पल फर्स्ट ऑप्शन ही राइडेड टू एक्स एंड एल एन टू करने की जरूरत ही नहीं है इसको क्वेश्चन नंबर सेवन में कह रहा है टू री सेट ऑल वेरिएबल्स वी यूज द कमांड तो हमारे पास री स्टार्ट आएगा अच्छा कुछ क्वेश्चन इन्होंने जो है हम एप्पल के अकॉर्डिंग भी एक दो डाल दिए हैं सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग तो कोई इशू नहीं है ठीक है जी ना क्वेश्चन नंबर आपके पास एट एट में क्या कहा जा रहा है अच्छा यहाँ पे इंटीग्रेशन देखिए यहाँ पर हमें क्या है लोअर लिमिट आप सबको मालूम है कि हमारे पास अगर हमारी लोअर लिमिट देखो यहाँ पे अपर लिमिट बड़ी है यहाँ पे सिंबल्स बी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास जो हम ए जो है वो नीचे है और बी ऊपर है आपको नज़र आ रहा है लोअर लिमिट यहाँ पे बेसिकली ए है और आपके पास जो अपर लिमिट है वो बी है जबकि हमारी अपर लिमिट बड़ी होनी चाहिए और छो लोअर लिमिट जो है वो छोटी होनी चाहिए देखो अगर इस तरीके से है फाइव ऊपर है और फोर नीचे है ठीक है जी एफ ऑफ एक्स गेवेंट फंक्शन और डी एक्स तो फिर तो ठीक है लेकिन इन केस अगर फोर हमारा ऊपर है और फाइव नीचे है तो फिर हमें क्या करना होता है माइनस को कॉमन लेना होता है हम क्या लेते हैं यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो यही चीज़ यहाँ पर इन्होंने पूछी है कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो बी रिप्रेजेंट कर रहा है अपर को और ए रिप्रेजेंट कर रहा है लोअर को जब तक हम यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को टैकल नहीं कर सकते जब तक हम इसकी लिमिट को एडजस्ट नहीं कर लेते तो हमें ये बी ऊपर है तो हमें बी नीचे चाहिए ए का ऊपर होना ज़रूरी है तो हमारे पास इसका सी ऑप्शन राइट है और माइनस जो है यहाँ पर लिया गया है कॉमन क्लियर हो गया चलिए जी आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट एम सी क्यूज़ एम सी क्यूज़ नंबर नाइन टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स फ्राम एक्स इजिकल्स टू ए टू एक्स इजिक्वल्स टू बी यूज़ द कमांड बेटा इतनी बड़ी चीज़ की तो बात है कमांड वगैरह तो बात की कहानी है सवाल देखो क्या कह रहा है टू ग्राफ ड्रा ग्राफ जब भी ग्राफ प्लॉट किया जाता है ना जब लिखा हुआ तो इसके अकॉर्डिंग ही समझ में आ रहा है आपको बात हो रही है ग्राफ की तो प्लॉटिंग ही आएगी यहाँ पर प्लॉट आएगा बी डी आई थिंक हाँ बी ऑप्शन इसका राइट है ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन ना और नेक्स्ट एम सी की यूज़ आपके पास यहाँ पर देखें इंटीग्रेशन से सवाल है हमारे पास दो फंक्शन गेवन है और दोनों फंक्शन एक दूसरे से क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं आप एल एन शॉर्टकट यूज़ करोगे इसमें नीचे वाली वाली टंग का ऊपर आप डेरीवेटिव ले लोगे तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे देखो नीचे वाली टंग का आपने ऊपर डेरीवेटिव लेना है पहले देखो आपने वन ओवर यहाँ पर देखो पहले तो आपने टू से डिवाइड करवाया इसको वन ओवर टू यहाँ पर देखो नीचे वाला डायरी वन प्लस एक्सपीरेंशियल कॉन्टेंट यहाँ वन है ना पहले तो वन का डेरीवेटिव क्या होता है आपके पास कॉन्सटेंट जीरो और आपके पास एक्सपोनशियल कॉन्सटेंट रेसो दी पावर टू एक्स ऐसी रहा और पावर का अपना डेरिवेटिव विच इज़ टू ठीक है और डी वाई और डिनोमिनेटर जो है वो आपके पास ऐसे ही मौजूद है वन प्लस एक्सपोनेंशियल कॉन्सटेंट ये वाला फंक्शन आपने इसी तरीके से कॉपी कर दिया जिस तरह मौजूद है लेकिन नीचे वाले फंक्शन का आपने ऊपर डेरिवेटिव लेना है और डिवाइड कर ठीक है बेटा अच्छा मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था और रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी दोबारा हम यहाँ से आपको बता देते हैं तो ये आपके पास वन ओवर टू जब आपको इंटीग्रेशन की साइन ख़त्म हो जाएगी ना आपके पास तो कॉन्सटेंट सी आ जाता है तो ये हो जाएगा एल एन वन प्लस एक्सपोनशियल कॉन्सटेंट्रेज टू दावर टू वाई और प्लस सी तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास कहाँ से आ रहा है ये आपके पास ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास राइट right है ठीक है जी तो ये वन ओवर टू एल एन द्रिस वन ठीक है आप इसको देख भी लीजिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे दिखा भी देती हूँ आई थिंक ये ऑप्शन आप लोगों को नजर नहीं आ रहा देखें दिस वन वन ओवर टू एल एन वन प्लस एक्सप्रेसियल कॉन्सटेंट टू दि पावर टू वाई प्लस सी क्लियर हो गया चल आगे बढ़ते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट एम सी की यूज है दर पेंडिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरल लाइन्स अब यहाँ पर टू पैरल लाइन्स की बात हो रहा है अगर फर्स्ट लाइन को मैं कंसिडर कर लूँ कि वो सी वन है दूसरी को मैं कह दूँ कि वो सी टू है ठीक है जी सेकेंड लाइन का जो कॉन्स्टेंट है पहले फर्स्ट लाइन का कॉन्स्टेंट सी वन वाली लाइन का कॉन्स्टेंट सी टू अब यहाँ पे हमें क्या करना है यहाँ पर बेसिकली हम इसको अगर कंपेयर करें तो कोफिशंट देखो यहाँ पे बड़ा आसान सवाल है बेटा बेसिकली डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे पॉइंट लाइन का डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है देखो सी वन में से सी टू को आपने माइनस किया और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बेसिकली आ रहा है कोफिशेंट ऑफ एक्स जो है वो आपके पास देखो यहाँ पे देखो ये क्या है अगर हम यहाँ पर देखें तो कोफिशंट ऑफ एक्स आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पर कोफ़िश ऑफ एक्स जो है वो आपके पास एम आ रहा है और कोफिशंट ऑफ वाई की बात करें तो आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे वन आ रहा है ना तो कोफिशेंट ऑफ एक्स बेसिकली आपके पास जहाँ पर एम है और कोफिशेंट ऑफ वाई जो है वो आपके पास वन है तो आपके पास जनरल फॉर्म क्या होती है सी वन माइनस सी टू डिस्टेंस फॉर्मला अगर आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर तो यहाँ पे बेसिकली अगर मैं कह दूँ कि एक्स को जो है ये ए है और वाई को कह दूँ ये बी है तो सिंपल आप कह सकते हो ना वन प्लस एम का होल स्क्वायर तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला राइट और इसका जो है ना ऑप्शन राइट होगा तो क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लाइन डिस्टेंस फार्मूला आपके पास आ रहा है पॉइंट बेसिकली फर्स्ट लाइन का जो कांस्टेंट है वो सी वन है दूसरी वाली का जो है वो आपके पास जो है वो सी टू है तो पॉइंट लाइन का डिस्टेंस फार्मूला आपके पास क्या होगा सी वन माइनस सी टू इन डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र क्योंकि कोफिशंट ऑफ एक्स जो है वो ए हो जाएगा और कोफिशंट ऑफ वाई जो है वो आपके पास बी हो जाएगा डिनोमिनेटर में इसके तरीके से आप इसको एडजस्ट करोगे इस इक्विजन के अकॉर्डिंग ठीक है जी तो आपके पास आपका राइट ऑप्शन जो है वो ए आएगा बी नहीं आएगा क्लियर हो गई यहाँ तक चले आगे बढ़ते हैं आपके पास आपका नेक्स्ट टाइम से क्यूज है फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के वो क्या के, के की क्या वैल्यू होगी द रेडियस ऑफ सर्कल अब हमारे पास यहाँ पे हमें बेसिकली के की वैल्यू सर्कल का जो कांस्टेंट है ना वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है और रेडियस जो है वो हमारे पास गिवन है विच इज़ फाइव ठीक है जी पहले इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व को देखते हैं किस तरीके से होगा अब हमारे पास अगर देखा जाए बेटा तो यहाँ पे हमारे पास जो पहले सबसे पहले तो आपको जो इक्वेजन का पता होना चाहिए आपने किस तरीके से फॉर्म करना है बेसिकली आपके पास होती है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी पहले तो आपने ये वाली अपनी इक्वेशन को याद करना है क्योंकि आपको सर्कल का जो रेडियस है का जो रेडियस की जो वैल्यू है वो तो गिवन है विच इज़ फाइव और हमें सर्कल का जो है कॉन्स्टेंट फाइंड करना है अब कॉन्स्टेंट फाइंड करने के लिए ना तो आपके पास जी है ना आपके पास है मतलब सेंटर ऑफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व की जाने फॉर वॉट वैल्यू ऑफ के ये के की वैल्यू क्या होगी द रेडियस ऑफ अ सर्कल हमारे पास फाइफ है अब हमारे पास एक सर्कल है उसका हमें कॉन्सटेंट जो है वो फाइंड आउट करना है कि और के और जबकि हमें उसका रेडियस गिवन है फाइव मतलब आर जो है वो हमें गिवन है बेसिकली जो कि फाइफ है और हमें इसका के जो है वो फाइंड करना है गिवन इक्वेशन आपके पास क्या है यहाँ पर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस का सिक्स एक्स माइनस का फोर वाई प्लस का के ठीक है जी इज इक्ल्स टू ज़ीरो हमारे पास गिवन इक्वेशन है अब हमें पता है जो हमारे पास अगर हमें जब भी कोई के की वैल्यू को फाइंड आउट करना हो सर्कल का कॉन्स्टेंट फाइंड करना हो उसके लिए आपने फॉर्मूला यूज़ करना है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का जी हम चैप्टर में बड़ा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं सेंटर ऑफ सर्कल हमें बेसिकली नहीं पता ना तो हमारे पास एफ है और ना ही हमारे पास यहाँ पर क्या है जी है सॉरी ना तो जी है ना एफ है पर हमारे पास आर गिवन है अगर हम यहाँ पर सबसे पहले आपको एफ ऑर जी फाइंड आउट करना है देखो इसका एक तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी एक शॉर्टकट ट्रिक देने जा रही हूँ जब भी आपको इस तरीके से, से सेंटर का सर्कल फाइंड आउट करना हो तो आपने कोफिशन ऑफ़ एक्स और वाई को उठाना है इस पूरी इक्वेजन से कोफिशंट ऑफ एक्स और कोफिश ऑफ वाई को उठाया और आपने डिवाइड कर दिया माइनस टू से देखो यहाँ से उठा लो पहला वाला सिक्स उठाओ कोफिशंट ऑफ एक्स इज सिक्स सिक्स को डिवाइड करो माइनस के टू से टू तो वन ज़ा टू टू थ्री जिक्स तो हमें यहाँ से क्या मिल गया माइनस का थ्री मिल गया तो हमें जी क्या मिला माइनस का थ्री तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस का थ्री ठीक है जी माइनस का थ्री ऊपर आ जाएगा स्क्वायर बीच में है प्लस और एफ़ की जगह पे जो है हमने एफ़ को भी पुट करना है अब यहाँ पे हमारे पास एफ कैसे निकलेगा कोफ़िशेंट ऑफ वाई से निकलेगा वो क्या है माइनस का फोर डिवाइडेड बाई माइनस टू से ही करना है माइनस है माइनस कैंसिल टू वन जा टू 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 ज़ा फोर तो हमें यहाँ से मिल गया पॉजिटिव टू क्लियर हो गया तो हमने एफ़ की जगह पे रख दिया टू टू का स्क्वायर हो गया और हमारे पास है माइनस का सी फार्मूला का क्लियर हो गया और रेडियस जो है वो फाइव हमें गिवन है तो फाइव हमने यहाँ पे पुट किया थ्री का स्क्वायर हो जाएगा नाइन नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर स्क्वायर है टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर माइनस का सी और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा क्लियर हो गया अब कॉन्स्टेंट सी की जगह हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्यों ना हम इसको के ही बना देते हैं नौ और चार आपके पास होता है तेरह अब यहां तक मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ बाकी आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक तब तक हम इसको कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको आर की जो वैल्यू थी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस का एफ स्क्वायर माइनस का सी ठीक है आर आपके पास है फाइव जी जो है वो आपके पास माइनस का थ्री इसका स्क्वायर एफ़ आपके पास टू हो जाएगा टू का स्क्वायर और कांस्टेंट की जगह मैंने यहाँ पे के रख लिया ठीक है थ्री का स्क्वायर आपको देगा यहाँ पर नाइन और टू का स्क्वायर देगा फोर और माइनस का के नॉट चार होता है तेरह थर्टीन माइनस के स्क्वायर रूट में है इज इक्व टू फाइव समझ में आया आपको अब हमें स्क्वायर के की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे हमें स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा स्क्वायर लगा स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से रिमेनिंग पाँच का स्क्वायर हो जाएगा पच्चीस ठीक है और यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा कैंसिल आउट हो गया थर्टीन माइनस का के होगा थोड़ा सा अरेंज कर लो के एक उधर तो ले जाओ पॉजिटिव हो जाएगा ये थर्टीन वहाँ आकर नेगेटिव हो जाएगा तो पच्चीस मेरा तेरह जाएगा तो माइनस का बारह बचेगा तो माइनस का बारह जो है वो के की वैल्यू आ गई और वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही आपके पास आपका राइट right है ये देख लीजिए आपके पास बल्कि नहीं ऑप्शन नंबर बी राइट है जो कि माइनस का ट्वेल्व है क्लियर डी ऑप्शन राइट नहीं है बी ऑप्शन आपका पास यहाँ पर आपका राइट right है ठीक है जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर अपने थर्टीन पर थर्टीन में क्या कह रहा है दिस लाइन वाई 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 टू टू एक्स प्लस सी विल बी टेन जैन टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू फोर अब इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है आप सबको पता है ठीक है जी अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली लाइन की जो इक्वेशन गिवन है ना वो आपके पास है वाई इज इक्वल्स टू टू एक्स प्लस सी ये देखें वाई इज इक्वल्स टू यहाँ देखें टू एक्स प्लस सी अब जनरल इक्वेशन है इसके पास आपके पास क्या होगी इसकी बेसिकली जो हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन है वो होती है वाई इज इक्वल टू आप यहीं पर करें एम एक्स प्लस सी अब एम की जगह पर टू गिवन है ना ये आपके पास जो है वो लाइन की नॉर्मल लाइन की जनरल इक्वेशन है और ये देखा जाए तो आपके पास जो दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसको ट्वेंटी फाइव ये आपके पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन गिवन है लेकिन सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर ठीक है ये आपके पास जो है दोनों की जनरल इक्वेशन ये लाइन की हो गई इक्वेशन नॉर्मल लाइन की है जनरल इक्वेशन और ये सर्कल की जनरल इक्वेशन अब आप इनको कंपेयर कर लो दोनों को आपस में यहाँ पे आप कंपेयर करोगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से एम की वैल्यू हमें मिल जाएगी बेसिकली टू इन दोनों को कंपेयर करने से यहाँ से एम की वैल्यू टू मिलेगी हमें और यहाँ से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें बेसिकली यहाँ से आर स्क्वायर मिलेगा ट्वेंटी फाइव इन दोनों में ना देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से आर स्क्वायर बेसिकली कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा आर स्क्वायर मिल जाएगा हमें बेसिकली यहाँ से ट्वेंटी फाइव लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो रूट लगाना पड़ेगा रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा और यहाँ से प्लस माइनस ट्वेंटी फाइव का लेकिन क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू को हम निगलेक्ट कर देंगे तो हमें यहाँ से आर की रेडियस की वैल्यू मिल जाएगी जस्ट पॉजिटिव फाइव अब आर की वैल्यू हो गई फाइव और एम की वैल्यू हो गई हमारे पास टू तो हमारे पास फार्मूला क्या है सी स्क्वायर बेसिकली यहाँ पर सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर वन प्लस का एम स्क्वायर ठीक है अब सी स्क्वायर आपके पास ऐसे ही रहा आर स्क्वायर जो है वो आर फाइव है ना फाइव 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 का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट कर लो अब तो माशाला ईयर के स्टूडेंट डायरेक्ट कर सकते हैं आप लोग एम है एम आपके पास फोर है तो फोर का जो है टू है सॉरी टू का स्क्वायर फोर हो जाएगा तो फोर और वन आपके पास आ गया यहाँ से फाइव और यहाँ पे आपके पास बाहर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा वन ट्वेंटी फाइव तो वन ट्वेंटी फाइव आपके पास कहाँ आ रहा है आप लोग देख लीजिए वन ऑफ ट्वेंटी फाइव आपके पास जो है मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको नज़दीक करती हूँ ये देखें ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट ठीक है जी लास्ट स्टेप मैं आप लोगों को दोबारा बता देती हूँ अगर यहाँ से आप लोगों का मिस हो गया सी स्क्वायर इजिक्वल्स टू आर स्क्वायर वन प्लस का एम स्क्वायर तो हमने क्या किया हमें यहाँ से मिला फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव और टू का स्क्वायर हमें मिला फोर फोर और वन फाइव हो गया फाइव को ट्वेंटी फाइव टाइम मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला वन ट्वेंटी फाइव इज डी डी ऑप्शन जो है वो आपके पास आपका इसमें राइट है क्लियर हो गया है चलें आगे बढ़ते हैं आगे कंटिन्यू करते हैं सेकंड पेज को मूव करें ऐसी आपके पास जो है यहाँ पर एसेंटिसिटी फाइंड करनी है एसेंटिसिटी फाइंड करने के लिए आपको पूछ रहा है कि ज़ीरो किसकी होती है ठीक है जी एसेंटिसिटी इज़ ज़ीरो ज़ीरोन द कॉनिक इज सर्कल देखो भाई याद रखो एक चीज़ बेटा पेपर में जरूर चीज़ें आती हैं और ये पास्ट पेपर में जो, जो पहले वाला मॉडल पेपर था वहाँ पर भी एसेंटिसिटी फाइंड करने को आई हुई थी इसमें क्या है जो आपके पास जो सर्कल होता है उसकी एसेंटिसिटी ज़ीरो होती है जो आपका पैरा बॉला होता है उसकी आपके पास एसेंटिसिटी वन होती है लिख लो आप लोग अगर एलिप्स की पूछ लेगा तो एलिप्स की असेंटिसटी ज़ीरो और हमारे पास वन के बिटवीन होती है क्या होती है ज़ीरो और वन के बिटवीन होती है और जबकि आपके पास जो आपका हाइपर बॉला है हाइपर बॉला की जो एसेंटिस वो हमारे पास जो है वो लेस ग्रेटर देन वन होती है वन से बड़ी होती है ठीक है जी ज़ीरो और वन के बिटवीन एलेप्स की होती है हाइपरबोला की वन से बड़ी होती है सर्कल की जीरो होती है पैराबोला की जो है एग्जैक्ट वन होती है तो हमारे पास यहाँ पे पूछा क्या था इन्होंने इन्होंने हमसे पूछा था कि हमारे पास जो है एसेंटिसिटी जीरो तो हम किन ऑप्शन हमारे पास बी राइट हो जाएगा जो कि है सर्कल चले आगे आ जाते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट टाइम सी द फोकस ऑफ पैराबोला -b 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 अब यहाँ पे हमारे पास एक्सेस का कैसे पता चलेगा हमें यहाँ पे देखो अब यहाँ आपके पास एक्सेस का पता चलता है कि कौन सा एक्सेस कौन से एक्सेस पर पैराबोला आ रहा है यहाँ पे वाई एक्सेस का पैराबोला है क्योंकि यहाँ पे लीनियर फॉर्म में हमारे पास वाई है ठीक है जी लीनियर फॉर्म में वाई है हमारे पास देखो इस तरीके से हम इसको कंपेयर करेंगे जीरो और ए देखो इस तरीके से इसको हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली अब हमारे पास यहाँ पर आपको कैसे पता चला कि ये अब आपके पास एक्सेस कौन से एक्सेस का पैराबोला क्योंकि वाई जो है बेसिकली बेटा यहाँ पर क्या है ये देखें कि लीनियर फॉर्म में है तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्ल्स टू हमें यहाँ से मिलेगा माइनस का सिक्सटीन वाई तो अगर हम इसकी ओरिजिनल इक्वेशन से इसको कंपेयर करें वो क्या होती है आपके पास फोर ए वाई ठीक है कंपेयर करने में हमें क्या मिलेगा तो यहाँ से हमें मिलेगा ए इज़ इक्वल टू माइनस का सिक्सटीन और यहाँ पे डिवाइड में फोर तो फोर वन जार फोर फोर फोर, फोर ज़ार सिक्सटीन तो हमें यहाँ से मिला माइनस का फोर ए आ जाएगा आपके पास माइनस का फोर चूँकि ये हमारे पास जो है वो वाई एक्सिस का पैराबोला था तो ए जो है वो आपके पास जीरो हो जी, सॉरी फर्स्ट जो है आपके पास ज़ीरो हो गया और ए जो है आपके पास आ गया यहाँ से माइनस का फोर ठीक है जी तो माइनस का फोर जो है वो जीरो और माइनस का फोर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपके पास क्या है यहाँ पर राइट है चला जी द डिग्री एंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ़ डिफरेंशियल इक्विजन अब यहाँ पर डिफरेंशियल इक्विजन की बात हो रही है जब भी आपने हाइसट नंबर ऑफ़ डेरीवेटिव को फाइंड आउट किया तो आपके पास हाइस्ट जो है आपके पास नंबर ऑफ़ डेरीवेटिव है वो आपके पास उसका ऑर्डर है और उसी की जो पावर होती है एक्सपोनेंशियल पावर वो आपके पास क्या हो में जो पावर मौजूद होती है वो उसकी डिग्री होती है देखा जाए तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहले तो इस वाले स्क्वायर से इस वाले रूट को कैंसिल आउट कर दो चले आपको मैं कर, कर दिखाती हूँ पहले थोड़ा सा इसको हम यहाँ से जूम कर लेते हैं अपने पेज को ताकि मैं आपको थोड़ा सा दिखा सकूँ देखो यहाँ से हमने क्या किया बेसिकली हमने यहाँ से इस वाले स्क्वायर रूट को स्क्वायर से कैंसिल आउट कर दिया हमें यहाँ से मिला डी क्यूब वाई डिवाइड बाई डी एक्स का क्यूब और यहाँ से हमें मिला डी वाई ओवर डी एक्स अच्छा ये मजीद भी कैंसिलेशन हो रही है अगर हम यहाँ से डी वाई से इसको इसको कैंसिल आउट कर दें और स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर दें एक वन से वन टर्म कैंसिल करते तो हमें ऊपर मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई और नीचे हमें मिल जाएगा यहाँ से डी एक्स स्क्वायर ठीक है और यहाँ से हमें मिला वन अब मैंने आपको बताया कि जब भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेरिवेटिव फाइंड करना है तो हाईएस्ट नंबर ऑफ़ डेरिवेटिव क्या है यहाँ पर इसकी पावर में टू है ना तो यहाँ पर आपके पास इसका ऑर्डर टू हो जाएगा और डिग्री जो है हमारे पास क्या हो जाएगी वन हो जाएगी चूँकि यहाँ पर डिग्री कुछ भी नहीं है पावर में तो डिग्री हमारे पास वन है ठीक है जी तो आप यहाँ पर लिखोगे कि हमारे पास जो ऑर्डर है इसका बेसिकली वो हमारे पास टू है और जबकि हमारे पास इसकी जो डिग्री है वो हमें मिली यहाँ से वन तो डिग्री टू और वन कहाँ आ रहा है जनाब ये आ रहा है आपके पास ऑप्शन नंबर सी में कि ऑर्डर तो टू है पर डिग्री जो है वो आपके पास क्या है वन है क्लियर हो गया चले जी अब हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारे पास नेक्स्ट एम सी जनरल सोलूशन ऑफ डिफरेंशियल जनरल सलूशन आपने करना है डिफरेंशियल इक्वेशन आप यहाँ पर आपने क्या करना है एक जैसे टर्म को पहले आप एक तरफ सॉल्व कर लो और फिर उसका जो इंटीग्रेशन ले लो बड़ा आसान सा सवाल है ये भी देखा जाए तो मैं आपको कर कर दिखाती हूँ ये भी किस तरीके से हम टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पहले हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि सवाल हमारा पोजीशन पर आ जाए और नीचे हमें थोड़ा सा स्पेस मिल जाए ठीक है क्योंकि मैं मॉडल पेपर के ऊपर ही आप लोगों को सॉल्व करवा रही हूँ तो राइटिंग का थोड़ा सा इशू आ रहा है तो एडजस्ट कर लिएगा मगर जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए इन शाला कोशिश करूंगी इन तमाम हमसे की उसको मैं बोर्ड पर भी एक्सप्लेन कर दूँ अभी थोड़ा आमादान है मेरा बेटा तो इतना टाइम नहीं मुझे मिल रहा था तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर ही एक्सप्लेन कर देती हूँ देखो नाइन वाई अब हमें क्या करना है एक डिट को एक तरफ ले लो तो ये हो जाएगा नाइन वाई डी वाई व डी एक्स है ना तो हम एक काम करते हैं इन दोनों में से डी एक्स को एक तरफ ले आते हैं ये फोर एक्स और ये डी एक्स तो उधर जाएगा तो माइनस का फोर एक्स और डिवाइड वाला डी एक्स वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा ठीक है तो उसको ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके ठीक है तो ये हो जाएगा डी एक्स इसको मल्टीप्लाई में रखने की जरूरत नहीं ब्रैकेट में रखने की जरूरत नहीं थी इसको ब्रैकेट में रख लो ठीक है तो हमें यहाँ से मेरा नाइन बाई डी वाई और यहाँ से माइनस का फोर और डी एक्स ठीक है अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इंटीग्रेशन की साइन लगा देते हैं इंटीग्र ठीक है जी यहाँ पे आप इसको साइन भी लगा दें कोई इशू नहीं है इस तरह इसी वाले स्टेप में चले लगा देते हैं फायदा हमारे पास क्या कॉन्सटेंट पहले आ जाएगा नाइन आपने पहले किया और आपके पास जो है वो पावर फार्मूला के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू ठीक है तो हमें क्या मिला और यहाँ से हम क्या करेंगे ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का फोर और यहाँ पे हुआ एक्स का स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पावर रूल पावर फार्मूला टू प्लस का कांस्टेंट आ जाएगा सी जब इंटीग्रल साइन हटती है तो क्या आ जाता है इंटीग्रेशन हटता है तो कॉन्सटेंट आ जाता है टू वन जै टू 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 ज़ा फोर हमें यहाँ से मज़ीद सॉल्व कर लिया तो हमें यहाँ से मिल गया नाइन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और यहाँ से हमें मिला ये नेगेटिव है ना इसको इज इक्वल टू किस तरफ ले आओ तो प्लस का टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ठीक है क्योंकि टू तो डिनोमिनेटर तो तो वाला तो कैंसिल आउट हो गया तो ये हमें मिल गया टू एक्स स्क्वायर इज इक्व टू सी तो आपके पास ऑप्शन में तो ये आ ही नहीं रहा तो मज़ीद इसको इन्होंने मजीद सॉल्व किया हुआ है थोड़ा सा तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे देखो ये वाला टू यहाँ के मंडल कैल्सियम ले लो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा टू एक्स स्क्वायर टू इंटू टू फोर हो जाएगा ना तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इज इक्व टू सी क्लियर हो रहा है अब ये सी यहाँ पर डिनोमिनेटर में है ये सी के पास चला जाएगा तो हमें मिला फोर एक्स स्क्वायर ये बेसिकली फ़ोर है सही कर लीजिएगा प्लस का नाइन वाई स्क्वायर और कांस्टेंट में हमारे पास आ जाएगा यहाँ जाके मूव करेगा कि कांस्टेंट भी है टू भी हमारे पास कांस्टेंट है तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन में तो सी लिखा हुआ ही नहीं है चले वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है ये देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता ऑप्शन ए राइट है क्योंकि टू भी तो हमारे पास क्या था कॉन्सटेंट ही ये टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है बाद बाहर एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने के लिए भी बच्चों को इस तरह के सवाल जो है वो दे देता है कोई इशू नहीं है अच्छा जी हमारे पास हमारे पास हमारा नेक्स्ट एम सी कुल एम सी क्यूज नंबर एटीन है फंक्शन टेंजन टू एक्स ओवर थ्री वाई ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री बेटा यहाँ पर देखा जाए आप सबको मालूम है कि टेंजन की जो रेंज है वो तमाम रेल नंबर में से होती है और एफ इज़ अ होमज होमोजीनियस विद डिग्री ज़ीरो क्योंकि यहाँ पर लीनियर फंक्शन है लीनियर फंक्शन जो होता है तो हमारे पास उसकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है ज़ीरो होती है सॉरी उसका हाँ फंक्शन की डिग्री जो है वो ज़ीरो होती है तो आप कहोगे एफ इज़ अ होमोजीनियस विद डिग्री ज़ीरो चलो जी आगे आ जाता है अब आपके पास आपका एम सी क्यूज़ नंबर नाइनटीन है द फर्स्ट मैथड एक मिनट इसको ज़रा मैं सॉल्व करूँ पहले मिटाते हैं इसको हम यहाँ से अच्छा जी हमारे पास हमारे एम सी क्यूज़ है द फर्स्ट मैथड टू सॉल्व द नॉन लीनियर लीनजन यूमेरिकली सबसे पहले आपके पास जो है ये रैप्शन एंड न्यूटन रैप्शन मैथड इस तरीके से इन्होंने जो इंट्रोड्यूस करवाया था ठीक है जी तो इसको सॉल्व कर लें और नेक्स्ट एम सी क्यूज की जानी बातें हैं नेक्स्ट एम सी क्यूज़ आपके पास आपका है नंबर ट्वेंटी इफ प्लेन कट वन नेपे ऑफ अ राइट सर्कुलर कौन परपेंडिकुलरी पेंडिकुलन कौन इज सर्कल देखो भाई हमारे पास सर्कल आएगा देखो एक अच्छा हम... जी यहाँ पे आपको बेसिकली देखें आपके पास एक कौन है और ये आपके पास ये दूसरी कौन है ये बेसिकली आपके पास आपका सेंटर पॉइंट आपका वैक्स है ये आपके पास जो है आपका बेस है अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भाई आपके पास अगर आपका प्लेन आपके राइट सर्कुलर को उनको परपेंडिकुलरली कट करे तो फिर आपके जो कॉनिक फॉर्म होगी वो आपके पास कैसी होगी बेसिकली वो आपके पास सर्कल ही होगी ठीक है जी बी ऑप्शन जो है वो आपके पास इसमें भी आपका राइट ही है चलें भाई आगे बढ़ते हैं मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानेब आगे आपको दिखा देते हैं सेक्शन बी और सी से रिलेटेड कुछ चीज़ें कुछ बातें करते हैं आप लोगों के साथ ताकि आप लोगों की इतनी सारी जो टेंशन है ना वो कम अज़ कम ख़त्म हो सके सबसे पहले हम सेक्शन नंबर सी को डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर सी में जो आपके पास बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि मिस हमारे पास कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे किन किन चैप्टर्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपने सवाला को देखेंगे हमें कहाँ से तैयारी करनी है देखो बेटा सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताती भी आई हूँ कि आपने यूनिट नंबर सिक्स चैप्टर नंबर सिक्स को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अब चैप्टर नंबर सिक्स में यहाँ पे कह रहा है आंसर यानी फाइव क्वेश्चंस अब हमारे पास पांच सवाल आपके जवाब आपने इस पूरे सेक्शन में देने हैं मजे की बात यहाँ पे पता है क्या है मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो कंपलसरी है ना आपका सब्जेक्ट उसमें क्वेश्चन नंबर थ्री है इसको आपने करना ही करना है इसके अलावा आपने चार सवाल के जवाब यहाँ पर देने हैं अब इस इसमें चॉइस भी दे दिए कि आपके पास जो है वो चार क्वेश्चन हैं इनमें से भी आपने दो करने हैं ठीक है जी ये भी मज़े की चॉइस आ गई ना इसमें भी तो आपको चॉइस आ गई अगर कंपलसरी दिया है तो साथ साथ सहूलत भी तो दी है ये भी तो आप लोग यहाँ पर देखें ठीक है जी तो आपके पास आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है अच्छा इस पर भी मैं डिटेल लेक्चर बनाऊँगी सिक्स पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर जो वन है आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा इसका ये थर्ड पार्ट है ठीक है जी आप यहाँ पे कॉपी करें सेकंड वाला जो है ये आपके पास आपके पास सिक्स पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर थ्री है इसका सेवन पार्ट है इसी वाले में से लिया गया है तो आपने सिक्स पॉइंट फोर एक्सरसाइज का तो ये एक्सरसाइज को बहुत अच्छा सा करना है इसका मतलब कि अगर आप अपनी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट फोर को बहुत अच्छा कर लेते हैं ना तो इसका मतलब ये है कि आप अपने जो है वो कंपलसरी वाले टॉपिक को कवर कर सकते हैं कि मॉडल पेपर वैसे तो बहुत जरूरी होता है इसलिए जब न्यू मॉडल पेपर आता है तो ट्वेंटी फाइव परसेंट पेपर आपका इसमें से ही आता है बेटा याद रखिएगा तो कुछ सवाल तो आपके इसमें से होंगे जो आपके आएंगे तो आप लोगों ने इसको फॉलो करना है वन बाई वन मिटाती जाऊंगी मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है मैं आपको बताती जाऊंगी इसका जो तो सी पार्ट है ये बेसिकली आपकी एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सिक्स का जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है उसका थर्ड पार्ट है क्लियर है चलिए जो आपके पास ये डी वाला है ये बेसिकली आपके पास सिक्स पॉइंट फाइव में आपको मिलेगा चले जी आगे बढ़ते हैं अब आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर टेलर सीरीज़ और मैक्लोरियन सीरीज़ आपने दोनों करनी है ठीक है जी अब आपने आप लोग कहेंगे मिस हम टेक जो है वो मैकलोरियन सीरीज़ करें टेलर सीरीज़ करें टेलर सीरीज़ के दो दो सवाल जो आपके पास आपके चैप्टर नंबर फोर में आए हुए हैं वो आपने टेलर से भी करने हैं रिव्यू में जो एक सवाल आया हुआ वो भी आपने करना है और साथ में बेसिकली ये आपको आपकी एग्जाम्पल दे दी गई है जो कि आपको मिलेगी पेज नंबर वन वन सेवन पर आपकी टेक्स्ट बुक से दिया गया है ये आपकी टेक्स्ट बुक से ये वाला सवाल आपको मिला है जो कि पेज नंबर एक सौ सत्रह पर मिलेगा और सवाल नंबर सेवन है अगर आप अपना पेज नंबर वन वन सेवनटीन आप खोलते हैं तो आपको वो नजर आ जाएगी ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सेवन वहाँ पर गिवन है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर फोर भी मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन नंबर फ़ाइव जो है बेसिकली आपके पास सेवन पॉइंट सिक्स से लिया गया है इसमें जो है मीडियम थ्रो एंड राइट बाई सेक्टर ऑफ साइड ए सी ये आपके पास सेवन पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर वन है इसके दो पार्ट दिए हैं उन्होंने चार पार्ट हैं वन और टू दिया है तो इसके अंदर वन एंड टू पार्ट आपको ये सवाल जो है मिला है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फिर बढ़ते हैं हम आ अब आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर जो सिक्स है ये आपको बेसिकली कहाँ से मिला है क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो आपको आपके पास आपकी एक्सरसाइज एट पॉइंट थ्री से क्वेश्चन नंबर आपको एट दिया गया है और इसके थ्री और फोर पार्ट्स हैं जो पैरल दिया गया है ना थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इजिक्वल्स टू जीरो पर पेंडिकुलर थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस वन इजीक्वस टू जीरो ये आपको पता है ये आपको मिला है थर्ड पार्ट और आपको मिला है इसका फोर्थ पार्ट ठीक है जी इंशाल्लाह जबरदस्त इसका सॉल्व भी आप लोगों को मिलेगा ठीक है जी अच्छा जी आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पर क्वेश्चन नंबर सेवन जो है बेसिकली ये भी आपके पास जो है एक एग्जांपल दी गई है जो कि आपको पेज नंबर थ्री थ्री फोर पर मिलेगी और ये एग्जांपल नंबर टू है आपका नंबर भी नोट कर लीजिए ये नंबर क्या है आपके पास टू है जबकि आपके पास जो आपके पास आपका क्वेश्चन नंबर एट है डिफरेंशियल इक्वेजन ये आपके पास आपकी एक्सरसाइज टेन से है और ये क्वेश्चन नंबर थ्री दिया गया जिन जिन एक्सरसाइज से सवाल आया है उन एक्सरसाइज को हंड्रेड परसेंट टारगेट बनाना है क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट है ये ठीक है जी टेन पॉइंट क्वेश्चन नंबर एट एक्सरसाइज टेन पॉइंट टू से क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट है जबकि क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ये आपके पास देखिए एक चैप्टर है एलेवन चैप्टर थोड़े से सवाल आते हैं कोई आपको कहे कि एक एक्सरसाइज करने से आपका एक पार्ट लॉन्ग का कवर हो जाएगा तो आप क्या करोगे उस एक्सरसाइज को गोल के पी जाओगे ना तो एक्सरसाइज एलेवन ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल पर अपलोड है क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया गया है एक तो आपके पास एक्सरसाइज अलेवन से है क्वेश्चन नंबर नाइन और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर सिक्स से दिया गया है क्लियर हो गया फिर आपके पास जो है ये क्वेश्चन नंबर जो टेन है ये बेसिकली आपको कह रहे हैं कोई भी मेथड आपने इसमें यूज़ करना न्यूमेरिकल मेथड कोई भी यूज़ करते हुए आपने देखिए यूजिंग एनी न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन अप टू टू डेसिमल प्लेसेस ठीक है जी आपने कोई भी एक मेथड इसमें यूज़ करना है ये बेसिकली आपके पास एक्सरसाइज ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर वन है ठीक है ट्वेल्व पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर आपको वन दिया गया है आपने इसको कॉपी कर लेना है चलें अलहमदिल्ला मैंने आपको सेक्शन बी सी जो है पूरा बता दिया है ये मैंने नोट करके रखा हुआ था पहले से यही मैं आप मेहनत कर रही थी कल मैं देख रही थी कि कहाँ कहाँ से आपके सवाल आए हैं तो इतना पॉसिबल तो नहीं है रमैदान में कि मैं पूरी पूरी वीडियोज़ बनाऊँ चैनल पर चले जाएँ आप वहाँ जाके जाके तमाम एक्सरसाइज को देखें जिन जिन के सोल्यूशन अपलोड हैं जो नहीं है तो इन कोशिश करूँगी कि इनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स बना के वो भी मैं अपलोड कर दूँ अब आ जाते हैं हम अपने सेक्शन बी पर सेक्शन बी में आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है बेसिकली ये दिया गया एक्सरसाइज टू पॉइंट फर्स्ट वाला जो है ये दिया गया है टू पॉइंट थ्री से क्वेश्चन नंबर एट सवाल नंबर आठ का नाइन पार्ट है ये नाइन पार्ट और जो बी वाला है ये भी आपको टू पॉइंट थ्री से ही मिला है ये भी बेसिकली क्वेश्चन नंबर एट से ही है लेकिन ये फोर्टीन पार्ट है इसका ठीक है जी फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर टू पर ये आपको मिला है एक्सरसाइज टू पॉइंट फोर से टू पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर एट है ये ठीक है क्वेश्चन नंबर एट है जबकि क्वेश्चन नंबर जो थ्री है आपके पास ये आपको मिला है एक्सरसाइज थ्री पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर फोटीन ठीक है जी क्योंकि सवाल नंबर चार है आपके पास इसके दो पार्ट हैं दोनों में आपको बताती हूँ कौन सा वाला किस पार्ट से आया है चलिए जी थोड़ा सा पहले हम इसको ऐसे कर कर ऊपर कर देते हैं अब यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन नंबर फोर है इसका ये वाला सवाल और ये अलग अलग एक्सरसाइज से है ये आपको मिलेगा देखिए मैं आपको बताऊँ थ्री पॉइंट सिक्स से थ्री पॉइंट सिक्स का जो क्वेश्चन नंबर टू है उसका ये थर्ड पार्ट है ठीक है जी और ये वाला सवाल जो है वो आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक में ठीक है आपने टेक्स्ट बुक में देखा टेक्स्ट बुक की जो आपकी एक्सरसाइज है वो आपको पेज नंबर एटी वन पर मिलेगा पेज नंबर एटी वन और सोलूशन नंबर टू आप देखेंगे आपको सोलूशन नंबर टू पर मिलेगा इसका क्योंकि टू पार्ट्स दिए गए हैं तो ये इसका सेकेंड पार्ट है फिर हम आ जाते हैं आगे आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव ये आपको मिलेगा एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर से और फोर पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर टू है ठीक है जी फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे अ पर्टिकुलर मूव सो दैट द पोजीशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ टाइम द गि वैक्टर आर ऑफ टी साइन टी आई कंपोनेंट प्लस कॉज टी जे कंपोनेंट टी के राइट द एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन फॉर विलासिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ ठीक है तो मैं आपको ये वाला सवाल अभी सॉल्व करवा देती हूँ उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं छोटा सा ही सवाल है तो इसको अलग क्या मैंने आपको देना है मैंने आपको इधर ही सॉल्व करवा देना है ये सवाल देखो भाई सबसे पहले आपने वेलोसिटी इज द डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन वेक्टर ठीक है आप सबको पता है वी ऑफ टी डेरीवेटिव ठीक है डिफ्रेंश आपने क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ पोजिशन वैक्टर ले लोगे पोजिशन वैक्टर का जब आप डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी आपकी विलोसिटी आ जाएगी तो ये आपके पास कॉस टी आई कंपोनेंट और आपके पास साइन का कॉस कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन टी जे कंपोनेंट ठीक है जी ये तो कॉन्सटेंट हो जाएगा जीरो तो आपने यहाँ नोट लिख लेना फिलोसटी इज द डायरेवेटिटिव ऑफ पोजिशन वैक्टर आप इस सेकंड वही फर्स्ट वाले का आंसर हो गया जो कि हमने फिलासटी इतना छोटा सा दिया बता है इन्होंने ये ठीक है जी अब हम इसकी एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं पहले हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली सेकंड वाले का सोलूशन इसमें आप आई लिखोगे एक्सेलरेशन इज़ द डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी कि अब आपने जब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है वेक्टर फंक्शन का देखो मैं आपको दिखाती हूँ आपने पहले आपने क्या किया डेरिवेटिव जो डेरिवेटिव पोजिशन वेक्टर था उसका जब डेरिवेटिव लिया तो आपके पास वेलोसिटी आ गई अब आपके पास जो वेलोसिटी आई है ना अब आप उसका डेरिवेटिव लोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा तो ये आप लिखोगे डी वी ठीक है जी वैक्टर पोजिशन वैक्टर सॉरी विलासिटी ओवर डी टी तो हमारे पास ये कॉस है कॉस का हो जाएगा माइनस का साइन टी आई यूनिट वैक्टर और ठीक है जी और यहाँ पर जब में माइनस भी तो लगा लीजिएगा माइनस में लगाना भूल गई ठीक है जी और यहाँ पर आपके पास माइनस यहाँ पे माइनस और साइन का हो जाएगा कॉस तो ये हो जाएगा कॉस टी जे यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया अब यहाँ से माइनस को जो है आपने क्या करना है कॉमन ले लेना है यहाँ से बाहर माइनस को आप कॉमन ले लो यहाँ से तो आपको मिला यहाँ से साइन टी आई यूनिट वेक्टर प्लस कॉस टी जे यूनिट वेक्टर क्लियर हो गया तो ये इसका आंसर था इतनी बड़ी वो थी नहीं कोई रॉकेट साइंस ठीक है जी अच्छा जी आगे आ जाते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर इसका फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन नंबर फाइव लिया गया है एक्सरसाइज फोर पॉइंट फोर का ये सवाल है फोर पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर टू है ठीक है जी फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स पर अच्छा ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको अभी अभी करवाया क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं ये आपके पास सिक्स पॉइंट सिक्स का क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसका पार्ट फाइव है ठीक है जी चले आगे बढ़ते हैं मूव करते हैं थोड़ा सा पेपर को ऊपर की जाने अब हमारे पास क्या है यहाँ पर जो हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर एट है ये बेसिकली आपके पास जो फाइंड द एरिया अबव एक्सेस अंडर द फॉलोइंग कर्व बिटवीन द गिवन जो है ऑर्डिनेट्स ये आपके पास जो आपका क्वेश्चन नंबर एट है ये एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट सेवन का क्वेश्चन नंबर एट का एट ही पार्ट है एट का एट पार्ट है ठीक है जी क्वेश्चन नंबर नाइन देख लीजिए ये आपके पास बेसिकली सेवन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है जिन जिन सवालत से सवाल आया है उसके आगे और पीछे का एक एक सवाल ज़रूर करके जाएं कि आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस होता है बच्चे कहते हैं कि हमारे वक्त में मॉडल पेपर आना था क्या आपका तो अच्छी बात है आप लोगों के उसमें आया है आधा तकरीबन ट्वेंटी फाइव परसेंट पेपर मॉडल पेपर से आ जाएगा बाकी इसके आगे पीछे के सवाल कर कर जाओ इन एक आइडिया हो गया है आपको ठीक है जी और सिर्फ इसी की प्रैक्टिस नहीं करनी मॉडल पेपर जिसका पैटर्न पेपर नॉट अ गेस्ट पेपर बच्चे बार हमेशा जो है वो यही करते हैं कि जी मॉडल पेपर को करके जैसे पास हो जाएंगे ऐसा नहीं है ठीक है ये एक पैटर्न पेपर बताया गया कि इन से आने के चांसेस होते हैं एटी टी परसेंट सेवन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर नाइन है जो कि क्वेश्चन नंबर टेन है क्योंकि क्वेश्चन नंबर एलेवन जो है वो आपके पास एट पॉइंट वन है इसका क्वेश्चन नंबर फाइव है अगर आगे पीछे कोई सवाल हो गया हो लेकिन नंबरिंग में बराबर बराबर ही कर रही हूँ आप लोग देख लीजिएगा ठीक है जी जो क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है आपके पास ये भी एक्सरसाइज एलेवन से लिया गया है बेसिकली एक्सरसाइज एलेवन का क्वेश्चन नंबर टू है सवाल नंबर दो दिया गया है ठीक है जी चलो आगे आ जाओ आगे हमारे पास इसका जो सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास अभी आपको बता जो इलेवन वाला है ये आपके पास बेसिकली एट पॉइंट वन से दोबारा देख लो यहाँ पर एट पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर फाइव है जबकि क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जो है वो बेसिकली एक्सरसाइज एलेवन से लिया गया है और ये क्वेश्चन नंबर टू है जबकि थर्टीन जो है वो आपके पास नाइन पॉइंट वन से है अच्छा बेटा आप कहेंगे मिस आपके चैनल पर सिर्फ तो पाँच लेक्चर चैप्टर चे, ही क्यों अपलोड है उसकी वजह ये है कि मैंने इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए लेक्चर बनाती थी और आप यकीन जाने एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे की पूरी एक्सरसाइज होती है और पचास बीस व्यूज़ तीस व्यूज़ चालीस व्यूज़ पूरा पूरा महीना गुजर जाता है बच्चे क्या करते हैं एक एक घंटे की वीडियोज़ को डाउनलोड कर लेते हैं और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कुछ भी नहीं तो फिर फ़ायदा क्या इतनी मेहनत करने का इस वजह से फिर मैंने आप लोगों को जो है वो छोड़ दिया पढ़ाना अगर आप लोगों का रिस्पॉस अच्छा आएगा तो इन डेली बेसिस पर वीडियोज़ अपलोड होंगी और आप लोगों को पूरा मैं कवर करवा दूँगी एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन नाइन पॉइंट फोर का क्वेश्चन नंबर वन ठीक है जी फिर आपके पास जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है इसमें आ जाएगा टेन पॉइंट बच्चों को सब कुछ आता होगा इस वजह से बच्चे ऐसे कर रहे हैं ठीक है ये क्वेश्चन नंबर वन है मेरे समझ में आ गया होगा ठीक है जी जो क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन है ये टेन पॉइंट थ्री का क्वेश्चन नंबर वन है जो फोर्टी है नाइन पॉइंट वो का क्वेश्चन नंबर वन है और नाइन पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर सिक्स का थर्ड पार्ट है सब मैंने आप लोगों को नंबरिंग बता दी है नाइन टू जो है फिफ्टी तक ये लाइन से आप लोग इन नंबरिंग को देख लें वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब मिलते हैं इन तरह तो के हेल्पफुल लेक्चर के साथ जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त अल्लाह हाफिज़